हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए, आपका स्वागत है एक और नई रेसिपी के साथ। चलते हैं पालक का साग बनाने। तो पालक मैंने ले लिया था, इसको बॉईल कर लिया था। अच्छे से बॉईल करना है दोस्तों, और इसको मिक्सी में पेस्ट बना लेना है इसका, ठीक है। इधर मैंने उड़द की दाल ले ली है, तो उसको बॉईल कर लिया था कुकर में, एक सीटी में हल्का सा बॉईल कर लिया, ज़्यादा नहीं, हल्दी नमक डाल के बॉईल करना है। इधर लहसुन और हरी मिर्च ले लिए थोड़ी सी। इधर ले लिए कढ़ाई, इसमें डालेंगे सरसों का तेल, और सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा सा डालिएगा दोस्तों, क्योंकि लहसुन जो भूनेंगे और हरी मिर्च इसमें पालक के साग में, या कहीं कह सकते हैं हम लोग कोई भी ठंडी में जो साग बनाते हैं हम लोग, उसमें लहसुन हरी मिर्च का जब तक तड़का नहीं लगता है। आप देसी घी में भी लगा सकते हैं दोस्तों। और हींग और जीरा ये मैंने डाल दिया है, इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। ये सारा सामान डालने के बाद देखिए, आप देख सकते हैं क्वांटिटी। अगर पालक की आपकी आधा केजी है दोस्तों, तो आप एक पूरा लहसुन ले सकते हैं, लहसुन की पूरी गांठ ले सकते हैं उसको छील के। और मैंने क्या किया है, महीन महीन जो इमाम दस्ता होता है उसमें हमने कूट लिया है उसको, ठीक है। कट नहीं करना है, कट मत करिएगा। उसी में हमने देखिए दाल छोड़ दी है, उड़द की दाल जो हमने एक सीटी आने तक बॉईल की थी, हल्की सी, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करनी है, हल्का सा। मैंने आपको दिखाया उसका दाना, मतलब पक जाए, कच्ची नहीं रखनी है। और पालक को भी अच्छे से बॉईल करना है, ठीक है। ये देखिए, हल्का सा ब्रांच नहीं करना है, अच्छे से बॉईल करना है पालक को, ताकि पालक में कच्चापन ना रहे। ये दाल भी हमारी पकी हुई है, पालक भी। इसको क्या करेंगे हम, ये जो हमने कढ़ाई में छौंक लगाया है, तड़का लगाया है, इसी में ये छोड़ देंगे दोनों चीज़ें, ठीक है। पकने देंगे करीब 20 मिनट तक, धीमे धीमे पकने देंगे। फिर ये जो दाल का पानी बचा था ना दोस्तों, ये दाल मैंने बॉईल की थी, उसका मैंने पानी अलग कर लिया था। तो इस पानी में हल्दी और नमक भी पड़ा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, नमक उसी हिसाब से डालिएगा, क्योंकि दाल में नमक डाल चुके हैं पहले। तो ये मैंने ले लिया 2 चम्मच मक्के का आटा, इसको अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे इसको, इसको कोई लम्स नहीं रहना चाहिए दोस्तों, वो फिट जाता है, कोई वो नहीं है, ठीक है। दाल का पानी जो है ठंडा हो गया था, गर्म में नहीं डालना है। तो ये देखिए, अच्छे से हमने मिला लिया इसको। इसको मिला लेने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा साग था ना उसी में इसको छोड़ देंगे। लेकिन साग अभी पक रहा है थोड़ा सा, इसको हम उठा के साइड में रख देंगे। नमक और डाल देंगे थोड़ा सा, हल्का सा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कम और ज़्यादा, कैसा ज़्यादा ना हो, क्योंकि पालक में ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो अगर दाल बॉयल की है नमक और हल्दी डाल के, तो उस हिसाब से आप नमक डालिएगा, ठीक है। ये देखिए, हमारा धीमे धीमे पक रहा है पालक का साग, अच्छे से खूब पक जाए और मतलब खदकने लगता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ढक के पकाइएगा, तो सारे में छींटे आ जाती हैं और जलने के भी चांसेस होते हैं दोस्तों। ये देखिए, अब हमने क्या किया है, ये जो हमने मक्के का आटा पानी में, दाल का पानी जो था ना उसका निकला हुआ, उसी में फैटा था ना, तो ये हमें इसमें डाल देना है। इसको डाल के मिला देंगे और गैस की फ्लेम लो रखेंगे, मीडियम टू हाई नहीं रखनी है दोस्तों, लो टू मीडियम रखनी है, ठीक है, ताकि साग हमारा जले नहीं। ये देखिए, मैंने इधर मक्के की रोटी बनाने की तैयारी कर ली है, इधर पालक का साग और मक्के की रोटी। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि ठंडियाँ आ रही हैं, तो इसमें चने का साग, पालक का साग दाल के साथ पकाइए, ऐसे भी पका के खाइए, सरसों का साग इसके साथ, मक्के की बाजरे की रोटी अच्छी लगती है खाने में, यही मौसम में होता है खाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी मेरी वीडियो। तो अगर अच्छी लगी हो, मेरे बनाने का तरीका दोस्तों अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। सिंपल रेसिपी है दोस्तों, सबके घर में बनाई जाती है, सबको पसंद होती है, बच्चों को नहीं पसंद होती है, लेकिन जिस तरह से मैंने बनाई है आप बना के देखिएगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। बच्चों ने भी खाई थी मक्के की रोटी, हालांकि मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी बच्चे कम पसंद करते हैं, लेकिन
जब इस तरह से अगर साग बनाया जाए है ना, तो बच्चे पसंद से मन से खाते हैं। बच्चों को भी खिलाइए और आप भी खाइए। सो बनाइएगा मेरे तरीके से। ये देखिए मैंने छौंक लगा दिया है, घी का छौंक लगाया है, लाल मिर्च, जीरा, हींग और लहसुन थोड़ा सा कूट लिया था। इस तरह से देसी घी का छौंक लगाइएगा दोस्तों, उससे टेस्ट और बढ़ जाता है। लहसुन खूब सारा डालिएगा और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल दी थी मैंने लाल, तो इससे कलर देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। तो प्लीज़ आइए टेस्ट करके देख लीजिए दोस्तों। ये हमने साग लगा लिया है, इस तरह से गांव में खाते हैं ना थाली में लगा के, इस तरह से मैंने आपको लगा के दिखाया है। देखिए दोस्तों इस तरह से खाइए और स्वाद बढ़ जाता है। रोटी में जब घी लग जाता है, मक्के की रोटी, चने का साग, पालक का साग, ये सब इसी मौसम का होता है दोस्तों। तो प्लीज़ इंजॉय कीजिए, गुड़ भी ले लीजिए, गुड़ के साथ खाइए। इस तरह से बना के देखिएगा दोस्तों, मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहे। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, आते हैं आप लोगों से मुलाकात करते हैं। और स्वस्थ रहिए, खाइए, सबको खिलाइए, ठीक है? ओके, बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।